अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसालेदार भिंडी। भिंडियाँ जो हैं वो बहुत शौक़ से खाई जाती हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो मैं वैसे गोश्त के साथ बनाती हूँ भिंडी गोश्त, लेकिन आज मैंने ये भिंडी मसालेदार बनाई है। इसको मैंने ऊपर से और नीचे से दोनों से इसको कट कर दिया है। आप चाहें तो इसके छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। इसको हल्दी और नमक लगा के थोड़ा सा 10 से 15 मिनट मैरिनेट किया, उसके बाद इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जो साबुत धनिया होता है वो और साबुत गोल मिर्च को मैंने रोस्ट करके उसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है, तो वो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून डाल दिए। फिर मैंने टमाटो पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसके बाद आप जो मसाले होते हैं हल्दी और मिर्च आप वो डाल दें इसमें। मैंने एक अचारी मसाला बना के रखा है, इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। वो मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून डाल दिया है। कलौंजी इसमें डाल दी है, कलौंजी से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ जाता है। तो आप ये मिक्स कर दें इसके अंदर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अनियन पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर इमली का पेस्ट डाला है, थोड़ा सा ये ऑप्शनल है, और आप चाहें तो ना डालें। दही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल दी है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ा सा पानी, आप देखें अगर लग रहा है नीचे भिंडियाँ, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे यानी दम पे आप रख दें। आपकी मज़ेदार भिंडियाँ तैयार हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।